अगर आपको लगता है कि आप दुनिया बदल सकते हैं तो ये कहानी ज़रूर सुने। एक बार की बात है, शाम के समय सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी अपनी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी आंखें और चेहरा कई कहानियां बयां कर रही थी। उनकी गहरी विचारधारा को देखकर एक जवान लड़का उनके पास आया। उसने उदासी से भरे चेहरे को देखा और पूछा, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं बस अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। और फिर उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी कहानी सुनाई कि जब मैं छोटा था तब मेरे सपनों की कोई सीमा नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं दुनिया को बदल सकता हूँ, पर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया को बदलना कठिन है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने देश को ही बदलें। दुनिया तो नहीं, लेकिन मैं अपना देश ज़रूर बदल सकता हूँ। लेकिन समय के साथ मुझे ये समझ में आया कि देश को बदलना भी आसान नहीं है। थोड़ी और समझदारी आई तो सोचा, मैं अपने समाज को बदलता हूँ, पर मैं ये भी नहीं कर सका। आज मेरी ज़िंदगी चंद दिनों की मेहमान है और मुझे रियलाइज़ हो रहा है, अगर मैंने खुद को बदला होता तो शायद आज मेरी सारी दुनिया बदल गई होती। उनकी कथा सुनते सुनते जवान लड़के के आंखों में भी एक नया उजाला दिखाई दिया। वह समझ गया कि असली परिवर्तन हमारे अंदर से ही होता है और हमें अपने आप को संवारना होगा। सच यही है कि हमारे परिवर्तन से ही हमारा घर, हमारा गांव, हमारा देश और अंततः हमारी दुनिया बदल सकती है। और इस अंतिम संदेश के साथ उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, कुछ बदलने से पहले खुद को बदलो, बाकी सब खुद ब खुद बदल जाएगा। इस कहानी से हम सबको सीखने को मिलता है कि दुनिया बदलने की शुरुआत अपने आप को बदलने से होती है। खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। वो कहते हैं ना, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि दुनिया बदलने की शुरुआत खुद को बदलने से ही होती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।